तो जनाब, मेरी ज़िंदगी का आज एक बहुत ही अमेजिंग दिन था, क्योंकि मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूँ, यकीन करें, मैं सर मेरे चुटकी काटने लगे सर मेरी चुटकी का मिसबा भाई ठीक है वहाब भाई और मेरे अंदर कॉमन एक चीज़ ये है कि हम दोनों WWE के फैन हैं। तो वो आजकल बड़ा चल रहा है ना, वो मुझे नहीं पता था कि इस इवेंट में यार मिसबा उल हक आ रहा है, सलमान भट्ट आ रहा है, और कौन आ रहा है? वहाब रियाज, सना मीर। मतलब यार, ये अभी गुलजेब भाई ने मुझे बताया और मेरे मतलब टांगे कांप रही हैं। और अगर मिसबा भाई ने मुझे झप्पी दे दी ना, तो आपको भाई यहाँ पड़ा होगा, बेहोश पड़ा होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन में, और ये जो क्योस लगा हुआ है, ये ऑडियोनिक का एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है, जो कि है एक स्टार मीटअप। फिकर ना करें, मैं स्टार नहीं हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो स्टार आ रहे हैं ना, वो हमारे मुल्क के शहजादे हैं। कुछ क्रिकेटर्स आ रहे हैं जिनकी मतलब एक छोटी सी काविश है ऑडियोनिक की, कि लोगों से उनके जो स्टार्स हैं उनको मिलाने की एक जो है ना बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है। तो इस इवेंट को ऑफिशियली आपका भाई कवर करने आया एज अ ब्लॉगर, और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ऑडियोनिक ने मुझे जो है इस अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ समझा और मुझे मौका दिया कि मैं इसका ऑफिशियल ब्लॉग बनाऊँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि यार, लोग बड़े मज़े के आए हुए हैं, और देखते हैं कि यार लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ ना, लोग मुझसे आके मिलते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो आज उनसे बातचीत करेंगे, उनको अपना ब्लॉग का हिस्सा बनाएंगे, जब क्रिकेटर्स आएंगे तो उनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स गो। हम लोग प्लेयर्स से मिलने हैं। हमें प्लेयर्स से मिलना है, किससे मिलना है? वहाब रियाज से। और अगर वो नहीं मिला तो मिलेंगे? क्या बोलोगे उनसे, क्या बात करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, मिसबा उल हक अगर आपसे मिलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ऑटोग्राफ बस, पिक्चर, ये ताली ताली ताली, ये आवाम जो है पीछे वो बेतहाशा मौजूद है, और सारे जो है ना मतलब मेरी जिनसे बात हुई है सब इंतज़ार कर रहे हैं मिसबा उल हक का, कि मिसबा भाई आ जाए, बस मिसबा भाई से एक बार हाथ मिला लें, ऑटोग्राफ ले लें, पिक्चर ले लें, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो मतलब खुशियाँ आ जाएगी ज़िंदगी। आवाम हो चुकी है बिल्कुल क्रेजी, और कोई जो है ना मिसबा भाई वहाब उल हक को छोड़ने वाला नहीं है। मतलब मुझे भी नहीं जाने दिया जा रहा यार, मतलब आवाम इतनी झमघट्टा लगाए खड़ी है कि मैं भी नहीं जा पा रहा। हद हो गई यार, क्या करें। सो लेट्स वेलकम कराची वाइंस। हेलो, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान। सही बात बताऊं, मैं इतना छोटा हो गया सर आप लोगों के सामने इसका, कि मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि यार मैं मिसबा भाई को देखूंगा तो उनसे ये बात करूंगा, मैं ये कहूंगा, लेकिन सर मैं आप सब से मतलब थैंक यू सो मच सर, व्हाट एवर यू डिड फॉर पाकिस्तान, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार जोर से बोलो एनर्जी सर, पाकिस्तान। खजान भाई, हीरा, मेरा सवाल है कि यार ये जो लोग इतने एक्साइटेड है, बताए ना यार कैसा जा रहा है? ये किसी वजह से एक्साइटेड है, बेसिकली क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रही होती है तो लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑडियोनिक का एक बड़ा पुराना सिलसिला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पिछले 10 साल से, तो उनके स्पॉन्सर्स भी हैं पाकिस्तान में, कराची में क्रिकेट की वापसी हो रही है कभी अरसे के बाद, तो उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड दैट फीलिंग इज इन द सिटी, इट्स ऑल ओवर द सिटी, कि जी PSL के मैचेस आ गए यहाँ पे, सडनली जो दुबई में होना था वो कहीं और हो रहा था, वो यहाँ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ऑडियोनिक की ये बड़ी अच्छी कोशिश है कि उन्होंने लाइक आम पब्लिक जो कि शायद स्टेडियम में देखने तो जाती है मैच, लेकिन मिल नहीं सकती, उन्होंने आम पब्लिक को एक मौका दिया है कि उनके क्रिकेटर्स को वो यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, एक मौका है टू इंटरैक्ट विद देयर यू नो फैंस, और लोग अपने टैलेंट के जौहर दिखा रहे हैं मिसबा उल हक के सामने, कि हम भी पुशअप लगा सकते हैं, हमें इनाम चाहिए। Pleasure to have you with us.
और हमारा अभी थोड़ी देर के अंदर वी गोइंग टू जॉइन द डिनर विद मिसबाह अल हक एंड बाप यार, सो प्लीज जॉइन अस। तो जनाब, मेरी ज़िंदगी का आज एक बहुत ही अमेजिंग दिन था, क्योंकि मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूँ, यकीन करें, मैं सर मेरी चुटकी काटने लगी मिसबाह भाई ठीक है सर, मैं यकीन करें मैं इतना कुछ सोच के आया था कि मैं मिसबाह भाई मिलेंगे, मैं ये पूछूंगा, मैं ये करूंगा, सब भूल गया। आपको देखिए पर्सनैलिटी का इतना इम्पैक्ट हुआ मुझे। हम भी जब स्टेज में जाते हैं तो ऐसे ही होता है। नहीं नहीं सर, लेकिन यकीन करें मिसबाह भाई, एक सवाल मेरा दिल में जो काफ़ी टाइम से मैं लेके फिर रहा हूँ, पहला T20 वर्ल्ड कप फाइनल भारत से, भले हम वो मैच हार गए, लेकिन जो मैच आप निकाल के जिस कॉर्नर से पाकिस्तान को आपने हमारा सर फखर तो बुलंद किया, आपकी क्या फीलिंग थी? बस फीलिंग तो जाहिर है, आपकी कोशिश होती है कि आप मैच जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आप चाहते हो कि आप जीते और फिर वर्ल्ड कप का फाइनल हो और इंडिया के अगेंस्ट हो। ऑब्वियसली यही कोशिश थी कि जीते वो मैच, बट अनफॉर्चुनेटली कि उसके साथ अच्छी यादें नहीं जीते, लेकिन कम अज़ कम इंसान को ये दुख ना हो कि मैंने अपनी कोशिश कोई उसमें कोई कमी रहेगी, मैंने कोशिश पूरी की बाकी। अच्छा मिसबाह भाई, आपकी फिटनेस का राज क्या है? मतलब बड़े बड़े एक्टर्स मैंने देखे हैं यहाँ पे हमारे जो ताल्लुक है जिस फील्ड से, मतलब लगता है कि आप फिटनेस के लिए आपको दो ही चीज़ें हैं, एक है आपका डिसिप्लिन जिंदगी का, जिसमें हर किस्म का खाना पीना उठना और फिर ट्रेनिंग, बहुत से लोग इसके बगैर मुश्किल है। बहुत से लोग ना खाना पीना छोड़ देते, कहते हैं यार दुबला होना है, खाना पीना छोड़ देते, सही है? नहीं, मेरे ख्याल में आपको बैलेंस खाना होगा और जो वर्कआउट आपके जिस्म को रिक्वायर्ड है वो आपको करना है। भाई यूट्यूबर्स आपने आई एम श्योर देखा होगा, काफ़ी लोग बनाते हैं आजकल कंटेंट ना यूट्यूब पे, फनी और गलत, ये कम्युनिटी ग्रो कर रही है पाकिस्तान के, इनके लिए कोई पैगाम सर? हमारी छोटी सी कम्युनिटी है यूट्यूबर्स की, उनके लिए कोई पैगाम? देखिए मेरे ख्याल में हर जगह पे अच्छा काम हो सकता है, और यूट्यूब हम भी देखते हैं और चैनल इंफॉर्मेटिव भी हैं और आप एंटरटेनमेंट भी है, तो आई थिंक कि किसी भी चीज़ को अगर आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें तो बहुत अच्छा टूल होता है वो पूरी सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए और इंटरटेन करने के लिए। तो मेरे ख्याल में इन सब के लिए भी ऐसे ही है कि आप पॉजिटिव वे में जो इसको देखते भी हैं और जो बनाते भी हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं मिसबाह भाई गले लगाऊंगा आपको सर, थैंक यू सो मच। बाप भाई और मेरे अंदर कॉमन एक चीज़ ये है कि हम दोनों WWE के फैन हैं, वो आजकल बड़ा चल रहा है ना, वो अंडरटेकर का नहीं था, खैर चले, नहीं नहीं वो लोगों ने कर दिया, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, बेसिकली वो अंडरटेकर से जो है ना जोड़ दिया किसी ने, लेकिन वो आपका अपना स्टाइल था। अच्छा बाप भाई, ये कैसे आता है, मतलब बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं वो ना बड़े, मतलब सिर्फ लगता है कि सिर्फ क्रिकेट के लिए वो घर चले, आप माशाल्लाह कुछ इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, ये इसके बारे में बताया ना, हमारे प्लेयर्स ऐसा क्यों नहीं करते जैसा आप करते हैं? मेरे ख्याल है हर एक की डिफरेंट नेचर है और हर एक का जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्रॉब्ली कुछ लोग कंफर्टेबल है कुछ लोग नहीं होते। जैसे एक बड़ी मशहूर जो है ना आपकी वो रही थी जंग कह लें उसको, जो आपकी और शेन वॉटसन के दरमियान रही थी बड़ी मशहूर, पाकिस्तान में कोई ऐसा है मतलब जो हमारे आपस के आपके दोस्तों में कि जिससे लगता है यार ये मेरे सामने आए और इसको मैंने नहीं छोड़ना? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं तो होती होगी थोड़ी बहुत आपस में मजाक में लगती ऐसा नहीं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच हो, बहुत क्रूशियल मैच हो, तो उसमें ज़रूर ऐसा होता है कि यार नहीं इसको आउट करेंगे, लेकिन अदर देन दैट किसी के साथ ऐसा नहीं है कि जी बस किसी के साथ हम लोग बिला वजह के बस ठीक है यार इसको आउट करना, लेकिन सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जब आप लोग जीत के आते हैं हर कोई गले लगाता है प्यार, मतलब फेसबुक पे दुआएं, ये खेल है हार जीत होती है, जब आप हार के आते हैं और लोग ट्रॉल करते हैं फेसबुक पे, आपकी क्या फीलिंग्स होती है और आपके दिल से कोई ऐसा मैसेज जो आप ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के जरिए देना चाहेंगे या लोग ये किया करो ऐसा ना? देखिए लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जब जाएँ खेलें और अच्छा खेलें और जीते, पॉसिबल नहीं है,
آپ کبھی جیتیں گے کبھی ہاریں گے, لیکن لوگ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ اتنا ان لوگوں کو دکھ نہیں ہوتا, افسوس نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ ہار کے ہم لوگوں کو دکھ ہوتا ہے, جتنا ہم لوگوں کو برا لگتا ہے. ایز اے پلیئر اگر آپ پرفارم نہیں کرتے تو وہ چیز آپ کو بہت زیادہ چھپتی ہے اور بہت زیادہ تنگ کرتی ہے پرابلم میں آپ کو کہوں گا. تو پر لوگ ہیں ان کی کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ بلا وجہ کا ریئیکشن جو ہے ان کا وہ آؤٹ آف دا باکس ہو جاتا ہے, کچھ لوگ تھوڑا سا لمٹ میں رہ کے بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ کبھی اچھا کہتے ہیں کبھی برا لگتا ہے, برا بھی لگتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے آپ کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے بالکل, کہ خود اس کی کیا اچیومنٹس ہے لائف میں اور وہ کس حد تک وہ جو ہے وہ کامیاب ہے اپنی لائف میں, کہ وہ کسی کو کمنٹ کر سکے کہ یار اس نے کیا صحیح کیا اور اس نے کیا غلط کیا. تھینک یو سو مچ آپ بھائی. تھینک یو سر. سر جزاک اللہ, آپ اتنے لمبے ہیں لیکن میں تو مل جاتا. نہیں نہیں, مجھے لٹرلی مل کے اندازہ ہوا کہ واپ بھائی کی ہائٹ اچھی خاصی ہے, ٹی وی پہ نہیں اتنی لگ رہی ہوتی. ٹی وی چھوٹا ہوتا ہے نا, چھوٹا. جزاک اللہ. اچھا بھائی, آج کا دن میری زندگی کا ایک یادگار دن تھا, اس میں تو کوئی شک کی بات ہے نہیں, لیکن بہت ہی ناانصافی ہوگی کہ اگر میں ایک انسان کا دل سے شکریہ ادا نہ کروں, اور وہ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے روح صاحب. سر سر پہلے تو سر آپ نے میرا خواب پورا کیا. رو صاحب جو ہیں چیئرمین ہیں آڈیونک کے ڈینی گروپ, اور انہوں نے اپنی ٹیم سے بولا کہ یار وہ بچہ مجھے چاہیے, وہ میں چاہتا ہوں کہ پورا جو ہے نا بناؤ, اور پیسے بھی اچھے دیے, اچھی بات نہیں ہے نہیں ادا کر رہا ہوں, لیکن یقین کریں انہوں نے مجھے یاد رکھا. ان کے لیے ہم نے کافی پہلے کام کیا تھا لاسٹ ایئر, اور انہوں نے مجھے یاد رکھا. سر میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے میرا خواب پورا کیا, میں مصباح بھائی کے ساتھ اسٹیج اور اسکرین دونوں شیئر کر گیا, ایون کہ میں نے کھانا بھی کھایا. سر کوئی پیغام آڈیونک کی طرف سے آپ دینا چاہیں؟ میں آڈیونک کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا, ہمارے پاکستان کے پلیئرس کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور اللہ کا بھی شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر پھر کرکٹ بحال ہو گئی ہے, اور کراچی شہر آج اس طرح خوش نظر آ رہا ہے, ہر گلی محلے کے اندر ہر جگہ پر پرچم ہی پرچم نظر آ رہے ہیں, اور سارے ینگسٹرز یوتھ سب جو ہے کرکٹ کے اندر محظوظ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کرکٹ وہ واحد ہے ہمارا گیم جس کے اندر قوم متحد ہو جاتی ہے, اور آج اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے ماضی میں کبھی نہ تھی, تو یہ کرکٹ نے پھر اس قوم کو متحد کر دیا ہے. اچھا بھائی, آڈیونک کی فیملی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے, اور نعیم بھائی جو کہ سی ای او ہیں. سر پورا شہر آپ نے مطلب آڈیونک سے سجا دیا, اور یہ وہ کتنا آسان تھا کتنا مشکل تھا روح صاحب کو منانا؟ نہیں نہیں, اس میں روح صاحب تو بہت زیادہ آگے آگے رہتے ہیں ماشاء اللہ. مارکیٹنگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ وہ دیکھ رہے ہیں, اور جو پوری مارکیٹنگ کی ٹیم ہے اس کی یہ کاوشیں ہیں, محنت ہے جو آپ کو کراچی کے اندر نظر آ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے ڈے نائٹ مجھے پتہ چلا رات کو چار چار پانچ پانچ بجے تک انہوں نے نائٹیں لگائی, تو ماشاء اللہ سب لوگوں کی ایفرٹ ہے, پوری ٹیم ورک ہے. تو بھیا بات یہ ہوتی ہے کہ کام کوئی بھی کسی بھی کلائنٹ کے لیے کیا جائے, مطلب ہم تو کرتے رہتے ہیں, لیکن چند کلائنٹ میری زندگی کے ایسے ہیں جن کے ساتھ نا میرا یارانہ ہے. تو آڈیونک کے ساتھ بھلے ہم نے ایک دو دفعہ کام کیا ہے, لیکن کچھ کلائنٹ ایسے ہوتے ہیں جو دوست بن جاتے ہیں. تو علی بھائی اور یہ حسیب, یہ جو ہے نا یہ بوائز ہیں اپنے, ٹھیک ہے نا, جب تک یہ بیٹھے نا کسی بھی برانڈ میں تو پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یار کوئی آئے گا. تو علی بھائی تھینک یو سو مچ یار, آپ نے بھائی کو جو ہے نا اس لائک سمجھا کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں, اور حسیب بھائی تھینک یو سو مچ یار, اتنا پروٹوکول خطرناک, مجھے لٹرلی فیل ہو رہا ہے کہ شاید میں اسٹار بن گیا ہوں نا بھائی, ایسا خطرناک اتنا خطرناک پروٹوکول بھائی, اللہ معاف کرے. تو جاتے جاتے کوئی اچھی بات آپ کہنا چاہیں آڈیونس کے حوالے سے؟ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک خاص طور پہ منصور نون ایز مانی, کراچی مائنس کی ٹیم, اور خاص طور پہ آج کا جو ایونٹ تھا اس کی پوری کریڈٹ جو حسیب اور حسیب کی ٹیم کو جاتا ہے, اور آج جب یہ ویلاگ آپ نے دیکھا ہوگا آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. مصباح الحق, ثنا امیر اور وہاب بیاض آج سب آپ کے مہمان تھے, تو ہوپ فلی ان شاء اللہ آپ کے ساتھ ابھی دوسرے کسی نئے پروجیکٹ میں بھی دوبارہ ملاقات ہوگی بہت جلد.